వెల్కమ్ బ్యాక్. పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఈ నెల 23 వరకు జరుగునున్నాయి. అందులో భాగంగా ప్రత్యేక సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, లైవ్ లో చూద్దాం. గౌరవశాలి లోక్తాంత్రిక యాత్రా కా సాక్షి రహా హై. స్వతంత్ర భారత్ కీ ప్రథమ లోక్సభ కే అధ్యక్ష శ్రీ గణేష్ వాసుదేవ్ మాలంకర్ జీ నే 15 మై 1952 కో అప్నా పదభార్ గ్రహణ కియా థా. దేశ్ కీ సర్వోచ్చ लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी. इस सदन में अभी तक मेरे पूर्व 16 माननीय सदस्य अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है. माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ. उन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश की दशा और दिशा तय की है. माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है. विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए. संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए. आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया. आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है. हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है. आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी. हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे. मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार को व्यक्त करें. माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है. हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं. आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता. आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली. ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के. इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं
और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है। और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का